हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रोब्लॉक्स वीडियो। तो आज की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं एस्केप द डंजन ओबी, और ये मैंने सुना है काफ़ी ट्रिकी गेम है। लेकिन ट्रिकी से अगर आप देखो तो रात में धूप आ रही है तो ये कुछ ट्रिकी है, मतलब कुछ तो अलग है। और ये वाला गेम ना सारे में देख रहा हूँ एक ही डेवलपर बना रहा है, तो शायद से ये सारे गेम सेम हो सकते हैं। तब भी अपन देखते एक बार खेल के। तो यहाँ से अपना चालू हो रहा है और ये देखो आते ही लावा, मतलब यार हर गेम में लावा, यार लावा देख देख के मैं बहरा चुका हूँ। लावा कितना लावा है इधर, तो ये लावा और मैग्मा जैसा सेम ही है, लेकिन लावा तो है ही यार, अब क्या ही करें। चलो अपना एक्सपर्टीज है इसमें, आपको मालूम है लावा में, तो आराम से निकले। ये क्या कर रहा है, ये सीढ़ी के ऊपर तक आने के बाद चढ़ नहीं पा रहा है, तो शायद से मुझे बीच में से जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कोने से नहीं जाएगा। चलो आ गया, और अब देखते हैं क्या करना है। दिस एरिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा, तो ये टूट सकते हैं मुझे लग रहा है ऐसा, और ये कह रहा है लावा में गिरना नहीं है, तो यार मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ेगा इससे पहले कि ये टूट जाए। तो हमें बिना ब्रेक मारे जाना पड़ेगा गाइस, जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी बिना ब्रेक मारे जाना है। लेकिन यार ये टूट नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ना इसने कुछ बेवकूफ़ बनाया है हमें। ये देखो यार नीचे गिर गए जल्दी जल्दी के चक्कर में, और ये टूटा नहीं एक बार भी। तो शायद से ये कंस्ट्रक्शन से इसका मतलब ये है कि बीच में जो गैप है ना वो उन लोगों ने नहीं भरे, बाकी जो है ना बिल्कुल सही है वुडन ब्लॉक्स, तो ये टूटने वाले हैं नहीं, तो ऐसा ही है कुछ। तो मैं फालतू में जल्दी जल्दी कर रहा था, आराम से भी जा सकते हैं अपन। देखो कितने आराम से जा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं टूट रहा, ऐसे ही जाना था। चलो सीढ़ी भी आ चुकी है, अब चलते हैं नेक्स्ट चेक पॉइंट की तरफ। और ये ट्रैप से टाइम करना है हमें मूवमेंट्स को। चलो आ जाओ, कर लेंगे यार, इतना कोई मुश्किल है नहीं, ऐसे वाले तो ईजी रहते हैं ज़्यादातर। तो अभी अपन आराम आराम से जाएंगे। देखो ये वाले की टाइमिंग थोड़ी सी अलग लग रही है मुझे, ये तो यार आते जा रहा है यार, जाने नहीं देगा ये तो। ये वाला डेडली है गाइस, यहाँ पे देखो यार, मुझे लग ही रहा था इसमें ना इसमें टाइमिंग की ज़रूरत है। ये पहला ऐसा ऑब्स्टेकल होगा जिसमें ना अपन रुक के जा नहीं सकते, अपन को पहले ही चालू कर देना होगा वरना निकल नहीं पाएंगे अपन। तो मुझे थोड़ा सा टाइम देखना पड़ेगा इसका, तो आ जाओ अपन देखते हैं, थोड़ा क्लोज चल के देखते हैं। ये देखो ये ना अपन को टाइम दे ही नहीं रहा जाने का, तो मुझे पहले ही एक स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है ना ये था, इससे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। ऐसी टाइमिंग अगर आपको सीखनी है ना तो सब्सक्राइब करके रख लो गाइस, देख देख के आप भी बिल्कुल पीरो बन जाओगे पार्कौर गेम्स में। तो आ जाओ गाइस बिल्कुल ही ऊपर चलते हैं। ये गोल गोल सीढ़ी कितना गोल घुमा रही है, चक्कर आ रहा है, और ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। मुझे लग रहा है इनके अंदर कुछ और है, इसमें पक्का चाबी नहीं होगी, इससे पहले ये वाला खोलूँगा मैं। देखा मैंने बोला था, मुझे लग ही रहा था इसमें चाबी नहीं होगी, तो इनमें से किसी एक में चाबी है, तीनों में से, और इसमें भी नहीं है, मतलब पहले वाले में ही चाबी रखी है यार, ये तो बिल्कुल सा अलग ही कर दिया। तो पहले वाले में चाबी नहीं है, इसमें भी नहीं है गाइस। अरे ये क्या है यार यहाँ पर, अच्छा पीछे हो सकता है एक और, वो रहा पीछे। ये अगर मुझे पहले दिख जाता ना तो मैं इसी में जाता हूँ, उसमें जाता ही नहीं, ये मुझे दिखा नहीं। लेकिन तो इसमें तो चाबी है ही पक्के में से, ये देखो की है, और की आ नहीं रही हाथ में, तो कहाँ है ये रही भाई, बिल्कुल मेरे से बड़ी की है ये। चलो खुल गया, और अब जाते हैं यहाँ से अपन। तो यहाँ पे ये कांटे रखे हैं, ये तो बहुत ईजी लग रहा है मुझे। इसमें अपन ऊपर से भी जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते गाइस, लेकिन ऊपर से जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा, तो एक जंप मारना बिल्कुल बनता ही है। और ये कुछ अलग है यार, यहाँ पे अपन को ना नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो ये वाली लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे कूद जाते हैं ना, उसके बाद ये वाले पट्टे पे कूदते हैं, और इस पट्टे से इस पट्टे पे अब जाना है अपन को इस लकड़ी पे, तो बिल्कुल सही। अरे यार थोड़ा सा मिस कर दिया यार, लेकिन लेकिन गाइज एक चीज़ आपने सोची, अपन डायरेक्ट इस पर कूद सकते हैं। रुको मैं देखता हूँ रास्ता। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यार यार ये थोड़ा सा गलती हो गया, मैं उसमें नहीं जा पाया पहले। अगर अपन देख रहे हैं तो अपन डायरेक्ट कूद सकते हैं गाइज, हो जाए, क्या बोलते हो, ही जाए आज तो, एक लाइक तो बनता है गाइज आपको। मैं डायरेक्ट है ना उस पर कूद के दिखाता हूँ, और जैसे मैं कूदूँगा ना आपको लाइक करना ही पड़ेगा गाइज, तो आ जाओ। और ये मैं कूदा, अरे यार थोड़ा सा रह गया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अपन को फुल पावर जंप माननी है, बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना है गाइज। आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुको भाई, बिल्कुल ही अच्छा वाला जंप, और ये मैं पहुंच गया गाइस। कैसा लगा यार, लाइक कर दो यार, लाइक तो बनता ही है अब। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कूदना है क्या, यहाँ पे यार पेटी नहीं बन जाए, चलो यार आउट नहीं हुए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं हुआ है गाइस, आराम से आ चुके। और यहाँ पे कुछ ट्रैप्स है ये बोल रहा है ऐसा, और ट्रैप्स देखते हैं क्या है। अगर हमने नीचे टच कर दी ना ज़मीन को तो फिर हमारे ट्रैप लग जाएंगे, इसलिए हमें ना नीचे टच नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से जाना है। और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैप्स हैं कहाँ। अच्छा ये ऊपर कांटे लगे शायद से, और ये पतले वाले ब्लॉक से चढ़ जाऊँ पहले। ये देखो गाइस ऊपर कांटे लगे, तो ये ना नीचे दब जाते अगर हम गलती से भी ज़मीन को टच कर देते तो।
तो यहाँ पे पार्कोर करते हुए चलना है अपन को। और पार्कोर की बात आती है तो फिर सबसे आगे मैं आ जाता हूँ। और ये क्या है, इसको टच नहीं करना शायद, वरना पेटी बन सकती है। तो यहाँ पे बिना आउट हुए हम लोग जाएंगे गाइस, बिल्कुल अच्छा वाला पार्कोर करते हुए, और पूरा घूम के जाना है हमें। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कर देंगे अभी अभी। और ये ड्रैगन शायद मुंह में खुला कर रहा है क्या पानी का, ये क्या है? अच्छा, इसके मुंह के अंदर पता नहीं क्या है, कहीं तो आ गए हम लोग। और ये है स्पीड बैट, तो इससे लेके अब हमें मारनी है लॉन्ग जंप गाइस। तो ये मैंने ले लिया, चलो ठीक है समझ गए। और ये वाले में तो यार टाइम लग ही जाता है देखना, आप कहीं ना कहीं तो हम आउट हो ही जाएंगे, अभी तो नहीं हो रहा हूँ वैसे। और यहाँ भी आ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा और करना है। और ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें तो टाइम लग ही जाता है। और यार रोब्लॉक्स के इतनी वीडियोस डालने के बाद, कम से कम 50 वीडियोस डालने के बाद, मैं ना समझ चुका हूँ कि ये रोब्लॉक्स में ना अपने कुछ ही गेम है, जैसे कि एक एस्केप गेम्स रहते हैं, एक सिमुलेटर गेम्स रहते हैं, और अपने टाइकून गेम्स रहते हैं, और एक रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स रहते हैं, और शायद ऐसे ही थोड़े बहुत क्विज वाले ऐसे हल्के फुल्के रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइप्स हैं नहीं, तो अपन कुछ नया भी करेंगे गाइस अब रोब्लॉक्स, क्योंकि अपन बहुत डालते हैं और अपन ना सेम हो रहा है अब, तो कुछ अब डिफरेंट करने वाले हैं अपन, लेकिन वो सोचना पड़ेगा, उसके लिए नए गेम्स आने पड़ेंगे। और अभी के लिए तो अपने पास माइनक्राफ्ट है गाइस, तो माइनक्राफ्ट की अपनी सीरीज चल रही है, वो कंप्लीट करके आपको और मज़ेदार वीडियोस में लाने की सोच रहा हूँ। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि आगे अपना चैनल और मज़ेदार होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अपने वीडियोस और ख़तरनाक होते जाएंगी गाइस, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए अपन इस कासल को कम्प्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इतनी लंबी सीढ़ी इन लोगों ने जो बनाई है ना, मैं एक गलती करूँगा और सीधे मेरा चेक पॉइंट पीछे चले जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ना कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आराम आराम से मैं जा रहा हूँ, बिल्कुल कदम अपने ना एक एक करके रख रहा हूँ। ये देखो सीढ़ी के बीच में कहीं भी गड्ढा आ जाएगा, गलती से मैं गिर गया ना, यहाँ पर नहीं गिरूँगा। और आ चुके हम लोग एक गड्ढे के पास, जिसके हमें नीचे तो पक्का नहीं कूदना है, इस लेवर से एक लिफ्ट आएगी। हाँ आ गई, तो ये लिफ्ट से अब हमें ऊपर जाना है गाइस। और ये लिफ्ट कैसे जा रही है भाई, कोई खींच रहा है क्या ऊपर से, मतलब इतनी मेहनत। अरे ये कहाँ जा रहा है, ये क्यों धस रहा है यार, नीचे मत गिर जाना यार। वैसे नहीं गिरेगा, लेकिन मुझे लग भी रहा है गिर भी सकता है। अरे यार सही में गिर गया ये, तो मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या यार, ये कुछ अलग ग्लिच है क्या मेरे साथ हो रहा है, जो शायद से गलती से हो गया होगा। मुझे नहीं लग रहा कि इतना तगड़ा ग्लिच बनाएंगे लोग कि कोई बंदा ऊपर ही नहीं जा पा रहा। और अब अरे फिर गिर गया, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये लिफ्ट ने परेशान कर दिया है गाइस, यहाँ पे बीच में से तो गिर ही रहा है, साइड से और गिर जा रहा है, इसलिए अब मैं ना बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन बीच में तो नहीं रहेंगे, लेकिन साइड से देखो अपन को बैलेंस करना है, अपन साइड से भी गिर सकते हैं नीचे, ये मुझे अभी मालूम चला था, इसलिए अब यहाँ पे ग्लिच भी नहीं हो रहा है और हम गिरे भी नहीं। तो फाइनली यार पहुँच गया यार, इतने आसान सी चीज़ में हम लोग को इतना टाइम लग गया। और ये है अपने ड्रैगन का, ये क्या है, मैग्मा है, तो इसके ऊपर से हमें जाना है, लेजर की तरह ये हम अटैक कर सकता है। तो बिल्कुल ही आराम से मैंने ये भी कर दिया है, और अब सीढ़ी चढ़ के चलते हैं ऊपर। कितनी लंबी सीढ़ी है ये, और ये क्या है, ये तो ड्रैगन है गाइस, और ये ड्रैगन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है, और हमें इसके मुँह में ही जाना है शायद अभी। तो ये ड्रैगन जिंदा तो है नहीं मेरे हिसाब से, इसके मुंह में जा सकते हैं। और ये देखो दांत अभी खुले थे, अब बंद हो चुके। और ये कौन है, स्टील गेट कौन लगा दिया इसके मुंह के अंदर, यार पूरा क्या है, वर्ल्ड अलग ही हो रहा है तो ड्रैगन का। और अब हमें नीचे कूदना है, और यहाँ पे क्या ही गिरा हूँ मैं, मतलब ये मुझे मालूम नहीं था इतना नीचे तक जाएगा ये, तो हमें थोड़ा सा देख के कूदना पड़ेगा। तो आ जाओ गाइस, इस साइड है अपना, तो यहाँ पे क्या ही गिरा हूँ, और घूम के बिल्कुल अंडे के ऊपर, क्या ही एंट्री मारी यार, बहुत ही खतरनाक, और फिर नीचे गिर गया। लेकिन जो लावा के ऊपर जंप किया था ना, वो मज़ा ही आ गया था। तो इस बार तो थोड़ा देख के कूदूंगा मैं, पिछली बार थोड़ा लग से अपन पहुँच गए थे, अब आराम आराम से देखो ऐसे जंप करते करते अपन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे कूदेंगे। तो ये मैं आ गया हूँ, और चेक पॉइंट भी ले लिया है मैंने। अब अपन ये खोपड़ियों के ऊपर से जाएंगे। और ये ड्रैगन के अंदर कौन सी दुनिया बसी यार, मतलब ये तो अलग ही एक अर्थ हो रहा है, इसमें क्या क्या अलग अलग वो आ रहे हैं अपने बायोम्स, एक अपना लावा वाला आ रहा है, ये आइस वाला आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आ रही है। और ये अपन ने गेट खोल दिया, ये देखो ये कुछ अलग आ गया, मतलब ड्रैगन का मुँह है, ये क्या है, मजाक है ये। साइड में दीवारें देख के तो लग रहा है कि मुँह जैसा है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये पिलपिला सा कुछ हो रहा है अलग ही, तो ये तो मुँह लग रहा है, लेकिन जो नीचे लेज़र आ रहा है ना, ये कहीं से भी मुँह नहीं लग रहा है। तो थोड़ा यार लॉजिक गली भी बनाया करो। और ये तो लग रहा है यार मुंह टाइप, और ये इसका गला है शायद, तो गले के अंदर आ चुके हम लोग। ये कहाँ आ गए, ये इसका पेट है क्या, पेट में सीढ़ी लगी है, ये कौन है, ये गलत है गाइस, यहाँ पे पेट में सीढ़ी कैसे लग सकती है इसके। तो इतनी लंबी सीढ़ी यार मैं चढ़ के जा रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें घर पहुँचने में। उस बंदे ने बोला था थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन इतना टाइम लगेगा ये तो नहीं बोला था। और ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये टेम्पल की तरफ जा रहा है क्या ये सीढ़ी, यार कितनी लंबी सीढ़ी है ये, इसके बाद ये अंदर जाएगी किसी टावर के अंदर।
और ये टावर के अंदर है लिफ्ट और ये हमें ले जाएगी ऊपर। बस ये वाली लिफ्ट है ना ग्लिच नहीं हो, और ये ग्लिच नहीं है गाइस, ये देखो इसमें हम धस नहीं रहे। तो ये इससे अब ऊपर जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और ये लिफ्ट के बाद देखो ये कितना लंबा रास्ता है, इससे हमें जाना है। और ये देखो ये ड्रैगन, ये रहा हमारे आगे बैठा हुआ है। हम इसके पीछे से गिरे थे क्या, कहाँ से गिरे थे भाई? और आखिरकार हम लोग आ चुके हैं यार ये बैच तक। इतना लंबा क्यों दौड़ा यार, सीधे हमें विनर ही दे देते जब कुछ था ही नहीं ऑब्स्टिकल। तो यहाँ पे हमारा बैच रखा है, विनर्स बैच, तो ये मिल गया हमें। और एक सीक्रेट बैच ढूंढने के लिए बोल रहे हैं जो कि हम लोग नहीं ढूंढेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे मज़ेदार गेम्स देखने के लिए। और मेरे रोब्लॉक्स के पिछले गेम्स अगर आपको देखने हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, देख लो दबा के।